Today we have sit here by all Arunachal Pradesh Motor Transport Federation is going to organize a traffic awareness campaign along with volleyball tournament women's and men and women with epic from 3rd May 2022 एट न्योकुम लापंग ग्राउंड ईटानगर। तो उसमें हमारा होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स एज मुख्य अतिथि रूप में आयोजित करेंगे और तालोपट्टम हमारे राजधानी का जो डिप्टी कमिश्नर आईएएस केस ओपनर में रहेगा। तो मैं सभी उसका साथ में एसपी कैपिटल डीएसपी ट्रैफिक सेल ईटानगर पुलिस स्टेशन रिसोर्स पर्सन में आयोजित करेंगे और जितना भी डिग्निट्रीज बहुत सा ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट लोग को भी हम लोग इन्वाइट किया, वो लोग भी आएगा। उसमें वॉलीबॉल कंपटीशन कल्चरल कंपटीशन होगा, ग्रुप सॉन्ग होगा, कल्चर में ग्रुप सॉन्ग होगा, ग्रुप डांस होगा, ड्यूट डांस होगा, सिंगल डांस होगा और सिंगल सॉन्ग होगा, ग्रुप डांस होगा। तो उसमें सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट है यहाँ पे आप लोग आके कल्चरल को भी पार्टिसिपेट किया जाए और वॉलीबॉल वोमेंस मेन को भी पार्टिसिपेट किया जाए। इसका साथ ही साथ हम लोग ने एक इन एप्स ऑफ ट्रैफिक अरुणाचल मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप में हम लोग ऐसे एक रखा है डीटीओ ईटानगर से हम लोग ने यहाँ पे हम लोग रखा है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस का जो लर्नर को हम लोग वहाँ में इशू किया जाएगा। उसको जो जो अप्लाई करने चाहता है 4 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट लेके आना है। हम लोग जितना हो सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग वहाँ में न्योकुम लापंग ग्राउंड में हम लोग इशू करने के लिए हम लोग इशू करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ उसमें आरसी बुक जो नया गाड़ी खरीदा है उसको भी उसी में 4 तारीख को हम लोग डीटीओ ऑफिस से जो वहाँ का सबोर्डिनेट ऑफिसर और कुछ एलडीसी यूडीसी लोग आके वहाँ में इशू करेगा। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जितना भी अरुणाचल का जनता को वहाँ में अनाउंस करता हूँ कि वहाँ में आप ये ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए आरसी बुक बनाने के लिए आप लोग सब वहाँ में मौजूद करने से ठीक है। और हमारा यहाँ पे ट्रैफिक अवेयरनेस होगा। ट्रैफिक अवेयरनेस में जितना भी यहाँ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जितना भी प्राइवेट हो कमर्शियल व्हीकल हो प्राइवेट व्हीकल हो जितना भी हो सके पब्लिक हो वहाँ में आके ट्रैफिक अवेयरनेस में आप लोग सुन लीजिए। ड्राइविंग किसे करना है, गाड़ी किसे चलाना है, कहाँ से किसे निकलना है, किसे इंडिकेटर ये करना है और किसे ब्रेक लेना है, किसे रुकना है, आप लोग वहाँ पे आके जानकारी लेने के लिए कोशिश करना है। और मैं और एक बार दरख्वास्त करूँगा कि जितना भी कोऑपरेटर है ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो ईटानगर म्यूनिसिपल का जो कोऑपरेटर है सभी कोऑपरेटर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब वहाँ में पार्टिसिपेट कीजिए और आपका जितना भी पब्लिक को आप लोग ने बताइए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए न्योकुम लापंग ग्राउंड में 3rd May 2022 में आप सब वहाँ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना है। हम लोग का यह 7 डेज का प्रोग्राम रखा गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जितना भी फेडरल यूनिट त्रिकार का मालिक, त्रिकार का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा का ड्राइवर मालिक, टाटा मोबाइल का मालिक, टाटा मोबाइल का ड्राइवर और जितना भी ड्राइवर है मालिक है सब वहाँ में आने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश करना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और जितना भी फेडरल यूनिट है मेरा जितना भी फेडरल यूनिट है
और यहाँ में कोई पॉलिटिकल लाइज नहीं है, यहाँ में ऑल इन ऑल है, यहाँ पे कोई दूसरा ये वो ग्रुप है ये ग्रुप है नहीं बोलना है, ये कॉमन है। यहाँ में कोई भी आदमी आके पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग ने कोशिश करना है।